लास्ट तक देखिएगा बिहार में कैसे द्वार बैठ लगता है, शादी ब्याह कैसे होता है, आप लोग को आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा। अभी आप लोग देखिए द्वार पूजा होने के लिए द्वारे बरियात लगेगा जो कि आ रहे हैं लड़का वाले पार्टी उधर से धूमधाम से बैंड बजा के साथ में पटाखा उठा के साथ में और ये लाइटर जो जलाते हुए सब दूल्हा पार्टी की तरफ से है। और ये देखिए पटाखा छुछुरी ऊपर में जो रंग बिरंग का जो फुलझड़ी होता है वो सब कितना सुंदर लग रहा है, आवाज़ भी कर रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम में। और आगे देखिए कैसे पटाखा फूट रहा है, पटाखा के साथ में लड़का वाला पार्टी आगे लड़की के द्वार पे आ रहा है, मतलब 100 आदमी की संख्या में द्वार पूजा होता है, आता है सब आदमी सब लोग जुटते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आगे में दूल्हा की गाड़ी है और यहाँ से दूल्हा उतरेगा सीधे द्वार से, वहाँ पर चौकी लगा हुआ है, वहाँ पूजा पाठ वहाँ द्वार पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये देखिए पीछे में बैंड बजा है, एक डांसर है और साथ में जो लड़का पार्टी का होता है डांसर वो भी साथ में डांस लोग करते हैं, इंजॉय करते हैं मस्ती से। और ये द्वार पूजा होता है यहाँ पर जो कि द्वार का सामने होता है ठीक, यहाँ एक चौकी रहता है, चौकी के साथ में पंडित जी रहेंगे, लड़का, फिर उसके बाद में लड़की के पिताजी और जो अपना गांव के रहते हैं मेहमान, गांव के जो दूर दूर के आए हैं लड़के वाले तरफ से सब कोई रहता है यहाँ पर देखते हैं। फिर द्वार पूजा होने के बाद में फिर जयमाल होता है जो कि आप लोग को इसमें दिखाऊँगा, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, चलिए दिखाता हूँ। फिर ये देखिए आगे में बैंड बजा भी आदमी बहुत आए हैं, आदमी जो लगभग 200 आदमी करीब है यहाँ पर। ये जो शादी हो रही है रोहतास जिला विक्रमगंज मरौना दुर्गाडीह मरौना गाँव का नाम है जो कि विक्रमगंज से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और यह अब लड़का जो जा रहा है जयमाल होगा, यहाँ फीता कट रहा है शुभ मुहूर्त के लिए, फीता कट गया जो कि यहाँ कुछ टेक्स्ट देना पड़ता था, देखिए फीता कट गया, दूल्हा जो है बैठ गया है स्टेज पे, जयमाल होगा यहाँ पर, लड़की आ गई है जयमाल होने के लिए, लड़की जा रही है स्टेज पे और मोबाइल के साथ में सब लोग रिकॉर्डिंग करते हुए कितना खुश है, सब लोग जा रहे हैं, लड़की आ गई है स्टेज पर, जयमाल हो रहा स्टेज में और यहाँ पर जयमाल हो रहा है दिखाई दे रहा है। और इसके बाद फिर उधर बैंड बजा बज रहा है और इधर जयमाल होते रहता है और उधर खाने पीने का भी व्यवस्था चालू हो जाता है, थोड़े दिन खाना पीना भी चालू हो जाता है साथ में क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो, इसके चलते खाना पीना का व्यवस्था सामने किया जाता है ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आप लोग हमारे अगर वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और आरती हो रहा है और ये देखिए आगे मैं आपको और दिखाता हूं, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाच भी है, डांसर भी है, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो समय में जो डांस होता है वो रात के इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए, बारात के लिए आदमी सब करता है नाच वाच, क्योंकि एक साटा जाता है 30,000-40,000 का एक एक नाच रहता है जो पार्टी। ये माला पहना दिए दूल्हा और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जयमाल पर, इसी को बोलते हैं जयमाल। इसी के बगल में जो है खाने पीने की व्यवस्था है, टेंट लगा हुआ है और देखिए पब्लिक कितना पब्लिक है, मतलब जयमाल में सब कोई देख लेता है, जयमाल कराया जाता है, ये अच्छा भी रहता है, जयमाल करना चाहिए। और ये द्वार है, मेन द्वार है वहाँ पर और यहाँ पर फोटो वोटो खिंचाएगा, सब लोग फोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद में आशीर्वाद देंगे लड़की के पिताजी, लड़के के पिताजी और जो बड़े हैं वो सब, उसके बाद ये लड़के के पिताजी है आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बेटे और बहू को।
और ये लड़की के पिताजी और लड़की के मम्मी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ हाथ में पैसा देकर आशीर्वाद दिया जाता है। और ये सहवाला है, सहवाला को भी रखा जाता है। और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग दिखाई दे रहा है लड़की के मम्मी और पापा। अब उसके बाद में देखते हैं कौन आ रहे हैं स्टेज पर। ये तो लड़की के भाई है, बड़ा भाई और भाभी है। और खाना स्टार्ट हो गया है बगल में, मैं आपको बताया था। खाना पीना भी चालू हो गया है, जिनको खाना खाना है खाना पीना भी खा रहे हैं अपना चालू हो गया, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, सब लोग आसानी से खाना खा लें शांतिपूर्वक। देखिए खाना पीना भी अच्छा ही बना है, टेस्टी बना है, जो भी बना है। और हम भी खाएंगे तब पता चलेगा कैसा बना है खाना पीना। खाना में है पूरी, कचौड़ी, दाल और पापड़, आलू कटहल का सब्जी और एक मिक्स भेज है, सलाद है। ये सब गांव के सब लड़के लोग हैं। और सब लोग इंजॉय से खाना पीना खा रहे हैं। कोई ये लड़की के ये जो दिख रहा है छोटा भाई है, बड़ा भाई है। ये मेरे सामने जो दिख रहे हैं भाजी है, रांची से चल कर आए हैं शादी में। और मैं अब आ गया हूँ समयाना में, जो कि बारात यहाँ पर टिका हुआ है। बारात से बैठे हुए ये देखिए नाच हो रहा है, छह डांस और
और सर्विस भी करवाते हैं और बाय सेल भी करवाते हैं। और किसी भाई को सेकंड हैंड या पुराना चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट मैं नीचे में दे दूंगा लिंक में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ के हैं रोहतास जिला बिहार विक्रमगंज प्योरो आरा ग्रहणी सासाराम के हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। इनका नाम है महेश बाबू, पहले ये रहते थे विक्रमगंज, फिर विक्रम से छोड़ दिया है, अभी रहते हैं प्योरो में, क्योंकि सबको चाहता है कि मुझे जहाँ अधिक पैसा मिलेगा मैं वहीं काम करूँगा, मेहनत तो कहीं भी करना है। और उसके बाद में फिर समाप्त हो जाएगा शादी ब्याह का, जैसे आप लोग दिखाता हूँ सारा कुछ। सब आदमी जो है यहाँ से सब अपना अपना जहाँ तक गया सब फ्रेश होने के लिए। और ये देखिए सब लोग आए हुए हैं, जितने मेहमान अतिथि, ये हमारे फूफा जी है रांची से चल कर आए हैं, और ये हमारे जीजा जी है। हेलो जीजा जी, थोड़ा इधर ताक दीजिए एक बार, आए कर दीजिए हमारे ऑडियंस को। और ये भैया जी है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो है दुल्हा की गाड़ी है, जो कि इसमें विदाई होगी लड़की का। और ये द्वार है, और इधर गाड़ी जो है इस पर सामान वामान लोड होगा, और मेन द्वार तो आप लोग रात में ही दिखाया था। और ये घर है, हमें जाने का रास्ता इधर से।